शुरू कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। लाइक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट आई विल मेक, आई वॉन्ट टू मेक। डिप्रेशन, इंसान अगर ये वर्ड ही सुन लेना तो वर्ड सुन के ही वो 1/4 डिप्रेशन में ऐसे ही आ जाए वर्ड सुन के। अभी हमने लाइक ऑफ़ कोर्स सोशल मीडिया का जमाना है, हमने काफी एक रील सुना होगा, डिप्रेशन मजाक नहीं होता मेरी जान, एंड एक्चुअली दैट इज फैक्ट। डिप्रेशन मजाक नहीं होता, वो फेज बहुत ही ज्यादा टफ होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या करना है नहीं पता, क्या हो रहा है नहीं पता, जो चल रहा है बस चल रहा है, बट उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं पता। ऐसा कह सकते हैं गो विद द फ्लो, बट वो इंसान गो विद द फ्लो वाला होता नहीं है, वो तो बस जैसे दिन निकल रहे हैं वो भी अपना एक एक दिन निकाल रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कब रुकेगा, ये कहाँ का कौन सा मोड़ लेगा, कुछ नहीं पता। वो खाना खा रहा है पर सिर्फ खा रहा है, आगे पीछे का नहीं पता। वो काम कर रहा है बस कर रहा है, करने के लिए बोला है कर रहा है, उसका उसके बारे में वो लाइक इंसान ज्यादा सोचता नहीं है। लोगों के फेस से बताना मुश्किल है कि कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं है। हालांकि कोविड से लेके अभी तक, कोविड के बाद भी कई लोगों ने डिप्रेशन को फेस किया है, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद टाइम बहुत ज्यादा ही लाइक सिचुएशंस काफी ज्यादा ही चेंज हो गई है हर किसी की लाइफ में। कोई भी इंसान है सबने उसको फेस किया है और लोग कर रहे हैं। स्पेशली हम फाइंड आउट करेंगे, हमें ज्यादातर मिलेगा टीनेजर्स में, टीनेजर्स के बाद ये आपको मिलेगा 24-25+ जो लोग होते हैं उनमें। अच्छा, उसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। कोई इंसान सामने से आपको बताएगा नहीं कि वो डिप्रेशन में है until and unless कि until and unless कि वो सामने, अगर आप उसके ज्यादा खास है तो ही वो बताएगा, अदरवाइज नहीं, वरना वो रैंडमली सबको भी या तो बताएगा तो सबको बताएगा, नहीं बताएगा तो बिल्कुल नहीं बताएगा, या तो अपने किसी क्लोज वन को बताएगा। उनके क्लोज वंस बताते हैं फिर, यार तू डिप्रेशन में है, बाहर निकल उससे, मूव ऑन करना। डिप्रेशन से मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको उसके सिम्टम्स बताती हूँ। डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन से होते हैं? पहला तो उसे एंजाइटी जैसा लगेगा, एंजाइटी ये एक डिप्रेशन का भाई है, डिप्रेशन है फिर एंजाइटी है। दूसरा होपलेसनेस, वो इंसान होप छोड़ देता है, किसी भी तरीके की होप नहीं रखता है, किसी भी फील्ड में किसी भी सिचुएशन में उसको होप होती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है, उसका एक मेंटल सेटअप हो चुका होता है कि बिगड़ने ही वाला है, खराब ही होने वाला है, होप रहती नहीं है उसमें। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं,
वो हंस रहा है, हंसते हंसते कब अचानक से वो चुपचाप बैठ जाए पता नहीं चलेगा, कब वो बोलते बोलते रो दे पता नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते, बहुत 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 ज्यादा मूड स्विंग्स होते। किसी भी एक फेज में वो रहेगा नहीं कि चलो आज का दिन अच्छे से निकल रहा है तो निकल ही जाए। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। चेंज इन बॉडी वेट, या तो पूरी ही बॉडी उतर जाएगी, या तो बहुत मेजर वेट गेन कर लेगा, या तो बहुत मेजर वेट लॉस होगा, या तो वेट गेन होगा, सडनली होगा, वो चेंज हो जाता है उसकी बॉडी में। अनकंट्रोलेबल इमोशंस पे किसी का भी जोर नहीं होता, किसी का भी लाइक कंट्रोल नहीं होते इमोशंस पे। वैसे ही जो इंसान डिप्रेशन में है वो इंसान अनकंट्रोलेबल होता है अपने इमोशंस पे। वो अननोन पर्सन को भी अपनी सारी बातें बता देगा पर अपने नोन पर्सन को कुछ पता नहीं लगने देगा। इमोशंस जहां 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 उसको थोड़ा सा ऐसे पैम्परिंग मिला, थोड़ा सा किसी ने प्यार से बात किया, वहां उसके इमोशंस निकल जाते हैं किसी के सामने। कंट्रोल नहीं होता उस पर। कई लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना कि अरे इसको नहीं बताना, अरे वो, अरे रोना नहीं है मुझे, स्ट्रांग दिखना है। पर जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होते। डिप्रेशन में जो इंसान होता है वो हमेशा लो फील करता है। कितना ही एक्टिव डे हो, कितना ही मजेदार दिन क्यों ना हो, बट वो हमेशा लो फील करता है, हमेशा एकदम लाइक कोई रस नहीं होता उसका उस लाइक दिन में, वर्क में, बस वो बहुत लो फील करता है। एनर्जेटिक मोमेंट आता ही नहीं है कि एक दो मिनट के लिए वापस से एनर्जी, लाइक थोड़ा हमने लो फील किया और वापस से एनर्जाइज हो गए हम, या कुछ एक्टिविटी हुआ हम तुरंत वापस से एनर्जेटिक हो गए, एनर्जी वापस आ गई, नहीं होता। इंसोम्निया ट्राई कर ले सोने की, नींद ही नहीं आएगी, या तो आएगी तो बहुत आएगी, नहीं आएगी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। रातों की रात निकल जाती है बिना सोए, या तो फिर ऐसा मन करता है बस बिस्तर पे पड़े रहे, नींद नहीं आ रही है पर बिस्तर पे ही पड़े रहने दो, छोड़ दो जो है जैसा है छोड़ दो, ऐसा होता है। या तो वो इंसान सिर्फ सोता है या तो बिल्कुल नहीं सोता है, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा सो लिया तो सो लिया। सुसाइडल टेंडेंसी, जैसे कि कहा मैंने, मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के डिप्रेशन में। जो इंसान है उसके मूड स्विंग्स होते, कभी होता है कि मर जाऊं, कभी होता है कोई गाड़ी से टक्कर हो जाए, कभी होता है कि नहीं जिंदा रहते, कभी होता है कि नहीं मर ही जाते। डिप्रेशन बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये एक होता है ना जुआ खेलने की जो लत होती है लोगों को, एक बार अगर उस दलदल में कोई इंसान फंसता है तो बस फंसते ही जाता है, फिर निकल नहीं पाता। सेम ऐसा ही होता है डिप्रेशन से, हर कोई नहीं निकाल पाता है किसी को। या तो वो इंसान खुद फाइट बैक करे, खुद लड़े और बाहर निकले, या तो फिर कोई नहीं निकाल पाता उसको। जिंदगी चल रही है तो वो चलने देता है, पर कब माइंड में आ जाए कि बस अब
बिना सोचे समझे फिर सुसाइड करता है इंसान। और जैसे कहा एंजाइटी डिप्रेशन का भाई है, मतलब एंजाइटी मतलब ऐसे इंसान पागल नहीं होता है, वो पागलपन में नहीं काउंट किया जाता है उसको, पर एंजाइटी ये एक सिम्टम है डिप्रेशन का, कि जब इंसान थोड़ा बौखला जाता है, चैलेंजेस को देख के इंसान नहीं बौखलाता है, पर सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि वो बौखला जाता है और फिर वो हैंडल करने की कोशिश करता है, और जब नहीं होता है तो होता है एंजाइटी, और फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन, क्योंकि इंसान बोलता ही नहीं है किसी के आगे। अगर बोल देता है तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये बेफिजूल का ज्यादा सोच रहा है, ओवरथिंक कर रहा है। ओवरथिंकिंग को भी ले सकते हैं एक सिम्टम, पर ओवरथिंकिंग सिम्टम रहेगा एंजाइटी का, डिप्रेशन का नहीं। अगर किसी को एंजाइटी है तो डिप्रेशन होना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। इसमें डिप्रेशन में इंसान को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, वो नहीं बता पाता है, वो नहीं बता पाएगा। हुआ क्या है, क्या चल रहा है, क्यों हुआ, क्या है, कहाँ से है, कैसे है, वो कुछ नहीं बताएगा, या तो ना ही वो बताना चाहेगा ना ही वो बता पाएगा। उस टाइम बस लोग उनके साथ रहे, बहुत बड़ी बात है, बिना क्वेश्चन किए। डिप्रेशन मजाक नहीं होता मेरी जान, जिसने फेस किया है उसको पूछो, जो उसमें से निकला है उसको पूछो। कौन सा इंसान हंस रहा है पर वो अंदर से कितना डिप्रेस्ड है वो नहीं पता चलेगा। कोई कितनी ही पार्टी कर रहा है, कितनी ही पार्टी कर रहा है, पर मेंटली वो कितना स्टेबल है कितना नहीं है ना, कोई नहीं बता सकता। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे अंदर उसके क्या चल रहा है नहीं पता चलेगा, या उसको कितना ही सुना दो, कितना ही बोल दो, कितना ही ताने दे दो, बोला तो बोला, नहीं बोला तो वो सिर्फ सुनेगा, पर वो जो ताने हैं, वो जो कड़वी बातें हैं, वो सब इंसान अंदर ही अंदर ले रहा है, अंदर ही अंदर जमा हो रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। और जब वो ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम या तो इंसान सुसाइड करता है, या तो उसको अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, या तो पैनिक अटैक आता है। बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, शायद किसी को काम आ जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप सोच रहे होंगे ऐसी बात बता के भी अपने चैनल का प्रमोशन कर रही है, अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स ढूंढ रही है, मत कीजिए चलेगा, पर शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी को काम आ जाए। बाय।